मुझे एसेटाबुलम फ्रैक्चर हुआ है और मेरे को प्लेट लगी है एसेटाबुलम फ्रैक्चर के अंदर तो अगर मैं हिप रिप्लेसमेंट कराऊं तो क्या मैं नॉर्मल चल पाऊंगा नॉट एवरी एसिडाबुलम फ्रैक्चर पेशेंट्स रिक्वायर हिप रिप्लेसमेंट दैट्स वन नंबर टू अगर एसेटाबुलम फ्रैक्चर हो गया है तो येस yes, फ्यूचर में जाके हिप आर्थराइटिस होने का चांस रहता है प्रोवाइडेड कि आपके फीमर के हेड के अंदर भी कुछ डैमेज हुआ है अगर वो साथ में दोनों चीज़ें हो गई हैं तो हाई चांस होता है अगर सिर्फ एसेटाबुलम में हुआ है और वो जल्दी से एड्रेस हो गया है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है आपका हिप नॉर्मल भी रह सकता है पर समझो कि आपको इस समय हिप के अंदर प्रॉब्लम है ऑलरेडी आपको लग रहा है मुझे पेन है मेरा ऐसे टब्लम फ्रैक्चर के बाद मैं नॉर्मल नहीं चल रहा हूँ तो वी नीड टू फाइंड आउट कि उस आपके हिप जॉइंट में क्या प्रॉब्लम है क्यों आपको दर्द है तो वो कैसे पता लगेगा आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके आपके एक्सरेज देख के आपका सी स्कैन भी कराना पड़ सकता है एंड देन वी डिसाइड वॉट इज टू बी डन और जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा अर्लियर द बेटर क्योंकि एक बार हिप जॉइंट में डैमेज हो गया तो उसके बाद उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता